हाँ बेटा, तो आज की वीडियो में आप सभी बच्चों का फिर स्वागत और प्यार भरा स्नेह। आज मैं आपको इस वीडियो में ये उद्धव प्रसंग के शेष बचे हुए जो छंद थे, वो चार छंद हैं, 8, 9, 10, 11, मैं उनका अर्थ बताऊंगा। और ये आपकी स्क्रीन पर ये जो छंद हैं वो चलते रहेंगे और आप उनका अर्थ देखेंगे, एक एक करके मैं उनका अर्थ बताऊंगा। ये आठवां बेटा, ये आपका, धाई जी तते तते बिदाई हो तो उद्धव की, गोपी भरी आरती समारे तन सांसुरी, कहें रतनाकर मयूर पछ को लिए, पो गुज अंजलि उमाह प्रेम आसुरी, भाव भरी कोली रुचिर सजाव दही, को मही मंजु दब दल कत्य पांसुरी, पीत पट नंद जस मत नब नीत नव, कीरत कुमार स्वर बारी दही बांसुरी। कितना सुंदर वर्णन है बेटे, देखिए इसमें धाई जी तते तते बिदाई है तो उद्धव की, इसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया, कितना अच्छा बताया है कि जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगीं। क्या हुआ, धाई जी तते तते बिदाई है तो उद्धव की, है उद्धव की विदाई जैसी, जब वो जाने लगे तो इधर उधर दौड़ने के लिए, उनको विदाई देने के लिए आने लगीं गोपियां। और क्या हुआ, गोपी भरी आरते संभारे ते न सांसुरी, उस समय वे इतनी दुखी थीं कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं, यानी गोपी भरी आरते संभारे ते न सांसुरी, गोपियां इतनी दर्द से भरी हुई थीं कि संभारे ते नहीं, संभालने नहीं पा रही थीं, सांसुरी यानी अपनी सांस को नहीं संभाल पा रही थीं, कहें रतनाकर मयूर पछ को लिए, को गुज अंजलि उमाए प्रेम आसुरी। वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को उपहार रूप में देने के लिए उनमें से कोई गोपी मयूर पिछ लेकर के आई। मयूर पिछ जानते हो, मयूर पंख कहते हैं, मयूर पुच्छ, मयूर का ये पंख लेकर के आई। कहें रतनाकर जी कहते हैं, कोई गोपी का मयूर पछ ले कोई फिर लिए, को गुज अंजलि उमाह प्रेम आंसुरी लेकर के आई, और कोई अपने नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई क्या लेकर के आई, प्रेम आंसुरी, घुंघची की माला लेकर के आई। जो गोपियां थीं वो अलग अलग तरीके से अपने अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए उपहार स्वरूप, उपहार भेंट स्वरूप देने के लिए अलग अलग भेज रही हैं। और क्या, भाव भरी कौली रुचिर सजाव दही, को महे मंजु दावे दलकत पांसुरी। अब वो कहती हैं, प्रेम से भरी कोई गोपी स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर के आई, भाव भरी कौली रुचिर सजाव दही, यानी भाव से भरी हुई। आप लोगों को मैंने एक बार क्लास में बताया था कि व्यक्ति के लिए प्रेम से जो भी भोजन दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और जिस भोजन में प्रेम नहीं होता है उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। वही चीज़ यहाँ पर है, भाव भरी कोली रुचिर सजाव दही, को महे मंजो दाबे दलकत पांसुरी। कितना देखिए, कितना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है कि प्रेम से भरी हुई कोई गोपी स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर के आई, और कोई अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए, यानी दर्द से पीड़ित पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर के, ये छाछ होती है ना, मट्ठा कहते हैं उसको, लेकर के आई, छाछ को लेकर के आई, है ना, प्रेम प्रेम स्वरूप दर्द से सालती हुई पसली को दबा करके छाछ लेकर के आई, पीत पट नंद जसो मत नव नीत नव, कुरित कुमारी रघु सोरबारी दई बांसुरी। अब वो कहते हैं, नंद ने श्री कृष्ण के लिए क्या दिया, पीतपट नंद जसुमत नवनीत, यानी पीतपट यानी पीतांबर, भगवान श्री कृष्ण के लिए नंद ने पीतांबर दिया, यशोदा ने ताजा मक्खन दिया, जसुमत नवनीत नयो, नयो कहते हैं ताजा, नवनीत मक्खन मक्खन दिया, राधा ने क्या दिया, कीरत कुमारी स्वर वाली दई बांसुरी, और राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी ला करके दी। ये आपका पूरा हो गया आठवां। अब नवा देखिए, नौमा है आपका, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ था के अंग नैना ने शिथिलता सुहाई है, कहें रतना करियो आबत चकात उदमान सो दियात को पावन भुलाई है, धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो सारत बहेलिन जो आस अधिकाई है, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसीवर राधिका पठाई है। कितना सुंदर वर्णन है बेटे, इसमें देखो, इसमें उन्होंने बताया है कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, बताते हैं जब उद्धव
ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियाँ राधा नंद यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी, बहुत ही भावपूर्ण, प्रेम मद छाके पग परत झाँके ताँ, यानी उनके जो पैर थे वो झाँके ताँ कहाँ पड़ रहे हैं, था कि अंग नैन शिथिलता सुहाई है। वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे, यानी जा तो रहे हैं, इतना प्रेम मिला था कि उनके पैर जहाँ के तहाँ पड़ने, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उद्धव इतने गोपियों के प्रेम में और ब्रज के लोगों के दिए हुए प्रेम में इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतने विहिल हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम न होता या भगवान कृष्ण के पास न जा रहा होता तो मैं सारा जीवन अपना यहीं गुजार, उनके पैर शिथिल हो जाते हैं। कहें रतना कर यो आवत चकात उदमान स्वदियात को भावना भुलाई है। ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर वहीं के वहीं पड़ने लगे। अभी मैंने बताया था उनके शरीर के सारे अंग थके से हो गए, ये बताया उन्होंने, वो बता रहे हैं। कहें रत, ये इसमें बड़ा, कहें रतना करियो आवत चकात उदो, बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा है, कहें रतना करियो आवत चकात उदो मानो सुध यात को भावना भुलाई है। इसमें बता रहे हैं कि उनके शरीर के सारे अंग थके से हो गए और नेत्रों में शिथिलता सी दिखाई देने लगी, है ना, था कि अंग नैनत शिथिलता सो आई है, अंग भई के भी शिथिल हो गए और कैसी शरीर में स्थिरता जैसी जागृत हो गई। रत्नाकर जी क्या कहते हैं, कहें राकत रत्नाकर यो आवत चकात उधो, कभी कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चले आ रहे थे मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हाँ। कहें रत्नाकर यो आवत चकात उधो मानो सुध यात को भावना बोलाई है, यानी किसी बात को भूल गए हों। और क्या कहते हैं, धारत धरा पैना उदार अति आदर सो सारत बहलन जो आंस अधिकाई है, कितना अच्छा वर्णन किया है उन्होंने। उनके एक हाथ में यशोदा जी के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा था और दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी सुशोभित हो रही थी। और क्या है, एक कर राजे न बनी तो वसुदा को दियो एक कर बंसी वाली राधिका पठाई है। एक बता रहे हैं अत्यधिक सम्मान का भाव रखने के कारण इन उपहारों को धरती पर भी नगरी पर रख पा रहे थे, साथ ही प्रेम में अधिकता होने के कारण वे अपने नेत्रों से प्रभावित होते हुए आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछे जा रहे थे। इतने भावहील हो गए कि जो हाथ उनके घिरे दोनों, यानी दोनों हाथ उपहारों से भरे हुए थे तो वो हाथ, यानी अपने जो प्रेमाश्रु निकल रहे थे उनके, उनको वो किससे पहुँचते, अपने कुर्ते से ही पहुँचे हुए जा रहे थे। इसमें ब्रजवासियों द्वारा उद्धव को दिए हुए प्रेम का वर्णन किया गया है। अब अगला देखिए दसवां आपका आता है, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बल अबीर होय अधीर लपटाई लेत, कहें रतना कर सो प्रेम मद माते हेर थर कते बाह था में ठहर थेराई लेत, कीरत कुमारी के दरस रस सद ही की छलकन चाह पलकन पुल काई लेत। कितना सुंदर वर्णन है, पारानन देत एक बूंद पोहेमी की पहुँचे पहुँच पहुँच पटने जने नन लगाई लेत। देखिए आप इसका अर्थ देख लीजिए, इसमें उन्होंने बताया है ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई वल अबीर होय अधीर लपटाई ले, कितना छवड़ ने, उद्धव ब्रज से मथुरा लौट करके जब आए हैं तब उनका शरीर धूल धार धूल धूसरित हो गया है, यानी धूल से भर गया है। उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए देखकर श्री कृष्ण भाव विहल होकर दौड़ करके उद्धव को अत्यंत अधीरता से अपनी बाहों में लिपटाए हुए जा रहे हैं, यानी अपनी बाहों में लिपटाए हुए हैं। जैसे उन्होंने देखा कि उद्धव आ रहे हैं तो उन्होंने देखा, अरे ये इनके शरीर पर जो धूल है, उद्धव जब ब्रज से लौट करके गए थे तो कहते ब्रज की जो धूल भरी हुई थी उनके शरीर में उससे लिपटने के लिए भगवान श्री कृष्ण कितने अधीर हो जाते हैं। और क्या है, कभी क्या कह रहे हैं, कहें रतना कर सो प्रेम मद माते हेर थर कत बाथा में थर थेराई लेत। वो कहते हैं, कभी रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव को प्रेम मद में मस्त देखकर, मक्त देखकर
श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके कांपते हुए अपने हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बताया इसमें, कीरत कुमारी के दरसरद सादे ही की छलकन चाय पलकाने पुलकाई ले। कीरत कुमारी ने राधा जी के लिए संकेत किया है, श्री राधा जी के अभी हाल ही में किए गए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने के कारण आंसुओं से उमड़ते हुए नेत्रों को देखकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो उठती हैं। अर्थात क्या होता है, उनके नेत्रों की पलकें भी आंसुओं से तरबतर हो जाती हैं। कीरत कुमारी की दर्श सद्य ही की छलकन चाय पलकन पुलकाई ले। और क्या है, पर अनन देत एक बूंद पहमी की पहुंच 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 पटने जने नन लगाई ले। कितना अच्छा वर्णन है, देखिए इसमें उन्होंने बताया है, श्री राधा जी के दर्शन से पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकले हुए आंसुओं को भगवान श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उनकी एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ करके अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। परानंद देते एक बूंद पहम की पोकांच, यानी यानी पढ़ने देते एक भी बूंद अपने आंसुओं की, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं पड़ने देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उससे पहले ही अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ करके अपने नेत्रों से लगाए जा रहे हैं। नैना ने लगाई लिए लगाए जा रहे हैं। अब बेटे दसवां देखिए, ये ग्यारह में आपका आ रहा है, दसवां भी बताया था, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमो ना के तीर गौन रौन रेती सो कदाप करते नहीं कहें रत ना कर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़ श्रवण रस नाते रस और भरते नहीं गोपी ग्वाल वाले नक ओमड़त आंसू देख लेख प्रल यागम हुकु नेक डरते नहीं हो तो चित चाव जो न राव रे चितावन को तज ब्रज गाँव इते पाँव दुख को धरते नहीं इतने पाँव धरते नहीं। बहुत सुंदर वर्ड में देखिए, ये अंतिम पैराग्राफ है ग्यारहवां, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है रत्नाकर जी ने। उद्धव ब्रजभूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे नाथ छावते कुटीर कहूँ रम्य जमो ना के तीर गौन रौन रुति कस कदापि करते नहीं। वो कहते हैं, यदि हे नाथ हम तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बनाकर रह लेते, यदि उस अनुपम रेतीले किनारे को छोड़कर हम कभी नहीं यहाँ आते और किसी स्थान को न जाते। और क्या कहते हैं, कहें रत ना कर बिहाय प्रेम गाथा गुड़ श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं। वो कहते हैं कि रत्नाकर जी कहते हैं, मुझे इतना प्रेम मिला था, इतना प्रेम मिला था कि मेरी जीभ मेरी जिभ्या कि किसी के और रस अन्य रस को पाने के लिए बिल्कुल भी कदापि तैयार नहीं होती। और क्या कहते हैं, गोपी ग्वाल बालनक उमड़त आंसू देख लेख प्रणयामकुक नेक डरते नहीं। वो कहते हैं, गोपियों तथा ग्वाल वालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते, यानी जितने भयभीत हम उससे हो गए, गोपिकाओं के भाव भेल आंसुओं से उतने भाव भेल हम और किसी से नहीं होते। और उन्होंने क्या कहा है, अर्थात इन्होंने क्या, कितने भाव भेल हो रहे हैं, भाव क्या है कि गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। उद्धव कहते हैं, हे श्री कृष्ण, और सुनिए क्या कहते हैं, हो तो चित चावजन रावरे चितावन को तज ब्रज गांव इत पांव हम धरते नहीं। यानी यदि हे भगवान श्री कृष्ण जी, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर कदापि नहीं रखते। हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं, यदि हम बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि हमें ब्रज में गोपियों का तथा ब्रजवासियों का बहुत ही अथाह प्रेम मिला था। तो बेटा ये आपके देखिए आठवां नवां दसवां और ग्यारहवां, ये आपके चारों पैराग्राफ हो गए, इसको दोहरा लेना। और इसके बाद मैं आपको फिर ये गंगा अवतरण है इसके बारे में आपको बताऊंगा।